आनंद मऊ शयन नंद सहा परम तत्ति पद विंद पऊ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जोतौ जिन वर हम अर्थ ति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को साजी को बारंबार नमस्कार ओंकार वेदांति शुद्धात्मतत्त्वं प्रमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनेत्त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपं बोलिए शेष में शुद्धात्मि देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। देशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा के अमृतमय वचन जैन भगवान की अमृतमय देशना जिसमें भव्य जीव स्नान कर रहा कहीं काय का स्नान कर रहा है अपने ज्ञान का आनंद का अपने सुख का अपने स्वस्वभाव के वेदन का स्वानुभूति का ध्यान का ये सब स्नान है। ये सब स्नान क्यों है क्योंकि अनादि काल से यह जीव इंद्रिय विकारों में राग देश प्रपंच में अपने आप को इतना मलिन उपयोग की चर्चा है इतना पर्याय परिणमन से इतना मलिन अपने आप को मानने लगा है इतनी मलिनता इसके संयोग में दिख रही है मलिन हुआ नहीं है इतनी मलिनता इसके संयोग में दिख रही है राग की द्वेष की विषय की कसाय की भोग की पाप की प्रपंच की इतनी मलिनता इस जीव के संयोग में दिख रही है विकारी भाव की पुण्य पाप भाव की इतनी ज़्यादा मलिनता इस जीव के संयोग में दिख रही है इतनी ज़्यादा मलिनता दिख रही है कि इस मलिनता से बहुत अच्छी चर्चा है इस अशुद्धता से भैया जो वर्तमान में अशुद्ध पर्याय है ना वो संस्कार काय का वो बोला है ना संस्कार है अनादिकालीन जो संस्कार है विषय के वासनाएं के बबूल के पेड़ की तरह है उस बबूल के पेड़ में कांटे उग रहे हैं संस्कार उदित हो रहे हैं शुभ अशुभ भाव के उदित कांटे उसके उदित हो रहे हैं नाना प्रकार के मिथ्या राग देश कसाय आदि का परिणाम उदित हो रहा है तो इस अशुद्धता से इस अज्ञानता से मुक्त कराने के मुक्त होने के लिए स्नान स्नान मतलब स्नान क्या कहते हैं शुचिता को शरीर का स्नान तो सब बकवास है वो शुचिता नहीं है क्योंकि शरीर आपावान है वो कभी शुचि हो ही नहीं सकता तो उपयोग को शुचिता का भाव जो प्रकट होता है उसको शुचिता शुचिता कहते हैं तो भैया आत्मा के उपयोग की शुचिता कब होगी मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता शुचिता कब होगी दर्शन ज्ञान की निर्मलता कब होगी जब यह जीव जिन वचनों में स्नान करेगा सम्यक्त के जल में स्नान करेगा इसलिए ज्ञान को ध्यान को गुरुमाई ने स्नान की वो दी है उपमा क्यों दी भाई स्नान की उपमा क्योंकि जिन वचनों को सुन के ज्ञान करके ध्यान करके इस जीव के हृदय में जो उपयोग में जो निर्मलता आती है वो शुचिता वो पवित्रता आत्मा का स्वभाव है वो पवित्रता वो जो मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता का हो श्रद्धान ज्ञान की जो निर्मलता का हो वो शुचिता वो पवित्रता आत्मा का स्वभाव है इसलिए गुरुमाई ने गाथा ही लिखी ना ज्ञानम स्नान पंडिता तो भैया भैया ज्ञान को स्नान क्यों क्या ध्यान को स्नान क्यों कहा क्योंकि राग देश कसाय के भाव में डूबा हुआ ये जीव आत्मा राग देश कसाय की परिणति में लिप्त ये जीव आत्मा इसको विशुद्धि चाहिए सुखी होने के लिए सुख का भोग करने के लिए
विशुद्धि का पान चाहिए, विशुद्धि चाहिए। भाई विशुद्धि कैसे होगी? विशुद्धि होगी राग देश के प्रपंच में दृष्टि लगाए रखेगा, कर्तत भक्तत में दृष्टि लगाए रखेगा तो विशुद्धि थोड़ी ना होगी। फिर अशुद्धि में अशुद्धि का परिणाम चलेगा। एक बहुत अच्छी बात, कर्म से ही कर्म पैदा होते हैं, कर्म ही कर्म को आश्रय देते हैं, कर्म से ही कर्म बनते हैं। देखो द्रव कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से नो कर्म, नो कर्म से फिर भाव कर्म, फिर द्रव कर्म। कर्म ही कर्मों का सहारा है, कर्म से ही कर्म ही कर्मों का आश्रय है, कर्म से ही कर्म बनते हैं, अशुद्धता से ही अशुद्धता पैदा होती है। अर्थात जब दृष्टि परोन्मुख पर्याय पे होती है, पर पर्याय परिणमन पे होती है, तभी ये सारे विकार उत्पन्न होते। अर्थात अशुद्ध दृष्टि होने पर ही अशुद्धता पैदा होती है। तो भैया क्या उपाय है? दृष्टि की शुद्धता निर्मलता उपाय है। तो दृष्टि की निर्मलता कैसे होगी? अभी दृष्टि की निर्मलता जब तक जीव को नहीं है, दृष्टि की निर्मल नहीं है, स्वभाव पे नहीं है, अंतरोन्मुख दृष्टि नहीं है, तब तक क्या करे जीव? तब तक के लिए ज्ञान ध्यान का स्नान है। क्यों? क्योंकि ज्ञान और ध्यान का स्नान करेगा तो चित्त में उपयोग में निर्मलता आएगी, और उपयोग और चित्त में जहां निर्मलता आई वहां जीव अंतरोन्मुख होने की पात्रता बनेगी। दृष्टि शुद्ध होगी, विशुद्ध होगी, श्रद्धान सम्यक होगा, ज्ञान सम्यक होगा, और जहां श्रद्धान ज्ञान सम्यक होगा वहां जीव को यथार्थ सत्य का बोध होगा। इसलिए ज्ञान और ध्यान का स्नान कहा। रोज अपन स्नान करने के लिए कितने वो रहते हैं उत्साहित, लेकिन वो स्नान नहीं। फिर अपन 3-4 दिन से रोज एक ही चर्चा कर रहे हैं, भैया क्या ज्ञान में स्नान पंडिता, ज्ञान में स्नान पंडित का स्नान। तो ज्ञान में स्नान है क्या, ध्यान में स्नान है क्या? बस यही तो मूल बात, ज्ञान ध्यान में स्नान है क्या? ये ज्ञान ध्यान में स्नान क्या है भैया? भैया ज्ञान ध्यान में स्नान यथार्थ सत्य को पीना है। यथार्थ सत्य में, यथार्थ सत्य की गहराई में उतर जाने का नाम है ज्ञानम ज्ञानम स्नान पंडिता। यथार्थ सत्य वस्तु स्वभाव को स्वीकार करने का नाम है। क्यों? क्योंकि आत्मा जिस ओर का श्रद्धान करती है उस ओर उसका ध्यान आकर्षित होता है, उस ओर उसका उपयोग आकर्षित होता है। यदि आत्मा ध्रुव स्वभाव की श्रद्धा को धारण करेगी तो ज्ञान आत्मा का उपयोग ऑटोमेटिकली शुद्धता की ओर चरण करेगा, और जब जीव का उपयोग ऑटोमेटिक शुद्धता की ओर चरण करेगा तभी उसके अंदर से निर्मलता उत्पन्न होगी, तभी उसके अंदर से विशुद्धता प्रकट होगी। विशुद्धता तो आत्मा में लबालब भरी हुई है, लेकिन उपयोग की दृष्टि स्वासोन्मुख ना होने से वो विशुद्धता दृष्टि में नहीं आ रही। बस इतनी सी बात, बस दृष्टि में आने की देर है भगवान जी। ये जो अपन चर्चा कर रहे हैं ना, ये चर्चा कर रहे हैं, ये सुना रहे हैं, ये सुन रहे हैं, ये तो बैठा बनिया का करे वालों काम है। जा कोटा का दान, जा कोठा में रख रहा है, ये वस्तु स्वरूप को कह रहा है, ये जिन देश ना कह रहा है, ये कह रहा है, वो कह रहा है, सब कहने कहाने का काम कब तक है भैया? अभी अपने को कर्तव्य पूर्वक हो रहा है ना, सुनने का कहने का काम रुचि पूर्वक हो रहा है। तो भैया क्यों क्यों ये काम जब कब तक है, ये काम कब तक है, ये स्नान, ये कहने का, सुनने का, जिन वस्तुओं का स्नान भी कब तक है? वो कब तक, जब तक दृष्टि स्वभाव पे नहीं है। फिर बाहर से कहने रूप स्नान नहीं रहेगा, सुनने रूप नहीं रहेगा, फिर कहने सुनना मात्र व्यवहार रह जाएगा। फिर अंतरोन्मुख जहाँ दृष्टि होगी, अंतरोन्मुख जहाँ उपयोग होगा, वहाँ आत्म ध्यान में तल्लीनता जो होगी वो स्नान हो जाएगा, स्वसन्मुखता स्नान हो जाएगा, स्वानुभूति स्नान हो जाएगा, ध्रुव की स्वानुभूति स्नान हो जाएगा, सबका ध्रुव का ध्यान शुद्ध उपयोग की स्थिति से अनुभव हो जाएगा, स्नान हो जाएगा। अभी क्या स्नान है भाई? अभी जिन देशना का स्नान कर लेते हैं, बाहर से श्रवण करते हैं, श्रवण करते से जो अंतरोन्मुख दृष्टि हो जाती है, अंतरोन्मुख जो दृष्टि में अभी आदत फुटे पड़ी ना पर पर्याय देखने की, वो संस्कार टूटे। पूरा प्रसाद किस लिए, पूरी चर्चा किस लिए है? कि दृष्टि में जो कुटेप पड़ी है पर्याय को देखने की, वो कुटेप निकले, दृष्टि की जो परोन्मुख होने की जो संस्कार पड़ा है वो संस्कार टूटे, और दृष्टि अपने स्वानुभवमय ध्रुव त्रिकाली स्वभाव शुद्धात्म स्वरूप को ग्रहण कर ले। इसलिए ये सारा पुरुषार्थ है, सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना, कहना, करना, ये सारा का सारा पुरुषार्थ मां दृष्टि के परिवर्तन के लिए। भैया जब दृष्टि परिवर्तित हो जाती है, जब कहना सुनना एक व्यवहार हो जाता है, बस। क्यों? क्योंकि दृष्टि में जहां शुद्धता आ जाती है, दृष्टि में जहां त्रिकाली परमात्मा आ जाता है, दृष्टि जहां स्वसन्मुख हो जाती है, वहां सहज सहज अंतरोन्मुख दशा सहज बनती है ना, सहज स्वभाव में चरण होता है दृष्टि। देखो भैया, दृष्टि यदि स्वभाव पर जमी है तो आप खुद जानते हो कि आप पूरे तीनों लोग घूम के आ जाओ, कोई कर्म बंद नहीं। क्यों नहीं है भैया?
क्योंकि कर्मों का वंद्य उपयोग जब पर को ग्रहण करेगा तब होगा, पर के परिणमन से कर्मों का बंध नहीं होगा, शरीर की क्रिया से शरीर की क्रिया से कर्मों का बंध नहीं होगा। शरीर तो पुद्गल वढ़ाचार, लेकिन उस क्रिया में चारित्र मोहिनी दर्शन मोहिनी का जो आचरण है उससे कर्मों का बंध होगा। जो पर के प्रति आकर्षण रस और पर की मानता है उससे कर्मों का आश्रय होगा, बंध होगा। अब यदि आपकी दृष्टि उस जगह नहीं है जितनी अपेक्षा में नहीं है, दर्शन की अपेक्षा से नहीं है तो आपको अनंत अनुबंधी का बंध नहीं होगा। यदि आपको ज्ञान की अपेक्षा से भी नहीं है, आपको ज्ञान का निर्णय भी है, आपके दो चौगड़ी कसाय अभाव हो गई, आप व्रति श्रावक है तो भैया आपको अनंत अनुबंधी के साथ प्रत्याख्यान का भी नहीं होगा। महाव्रति है तो आप प्रत्याख्यान का भी नहीं होगा। श्रेणी आरोहण कर रहे हैं तो भैया चारों कसाय संजुलन का भी बिल्कुल नहीं होगा। फिर क्या, फिर सारे कर्म छे हो जाएंगे, निर्वाण हो जाएगा। भैया पूरी साधना का है कि दृष्टि आपको दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी की कितनी कर्म प्रकृतियां छह हो गई हैं, किसके बल पे होगी? आपको स्वभाव का कितना बहुमान है, स्वभाव का कितना बहुमान है आपको। मैं त्रिकाली चैतन्यमय परमात्मा हूं, शुद्ध ज्ञान विज्ञान में पिंड हूं, आपको अपने स्वानुभव की कितनी महिमा है, स्वचैतन्य स्वभाव की कितनी महिमा है, छोक्षम ज्ञान की महिमा है। पढ़ा लो, खूब शास्त्र पढ़ा लो, आप 50 शास्त्र पढ़ा लो, आप छोक्षम ज्ञान के प्रवचन की महिमा है, आपको छोक्षम की महिमा है आपको। मैं ध्रुव त्रिकाली परमात्मा हूं, स्वभाव की दृष्टि कहाँ है आप, स्वभाव की महिमा कहाँ आप? भैया वो स्वाध्याय से भी तो हम वस्तु स्वभाव को ग्रहण करते हैं ना। आप देखो स्वभाव से वस्तु स्वभाव को ग्रहण करते हो, लेकिन आप जानकारी के रस में तो बह रहे हो ना, जानकारी के रस में तो बह रहा हो ना। हाँ खूब जान लिया, खूब भेद ज्ञान को जान लिया, खूब कर्म प्रकृति को जान लिया, लेकिन आपकी दृष्टि कहाँ टर्न हो रही? दृष्टि बदलना बताओ आप तो अपनी। आपको शाश्वतता का बोध कहाँ आ रहा? आद्य मनादि शुद्धम का बोध कहाँ आ रहा? मैं शुद्ध चेतना, शुद्ध उपयोग लक्षण, शुद्ध उपयोग में चेतन लक्षण में स्वीकार बुद्धिपूर्वक निर्णय तो आपने कर लिया, लेकिन वो शुद्ध चेतन उपयोग लक्षण में जो स्वभाव है वो आपकी प्रतीति में क्यों नहीं बरत रहा? जब आप विभाव भाव में भे रहे हो तो आपके उपयोग में फटकार क्यों नहीं लग रही? आपके उपयोग में विभाव भाव भिन्नता क्यों नहीं लग रहा है? या फिर आपके उपयोग में स्वभाव की गहन रुचि क्यों नहीं बैठ रही, प्रतीति क्यों नहीं बैठ रही? आप खोजो कि कहाँ कमी हो रही है आपसे, आपसे आपके अंदर में क्या कमी हो रही है। भाई कैसी कमी कि आप इतना जान रहा है, इतना पढ़ रहा है, उसके बाद भी आपको आपके उपयोग को, आपके अंतरात्मा को एकदम से पलटना क्यों नहीं हो रहा उसका? जब आत्म स्वभाव की श्रद्धा हुई है, बहुत अच्छे सुनो, जब आत्म स्वभाव की भाव की श्रद्धा हुई है, दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति टूटी है, मिथ्यात् का गलन हुआ है, अनंत अनुबंधी कसाय का आपने पक्षपात छोड़ा है, राग आदि विषय कसाय का आपने पक्षपात छोड़ा है, तो आपका उपयोग पलटा क्यों नहीं है? कहाँ क्यों नहीं पलटा? आपका उपयोग जानकारी के साथ पढ़ने के लिए पलट गया ये नहीं, अशुभ से शुभ के लिए पलट गया ये नहीं, आपका उपयोग ध्रुव त्रिकाली के लिए क्यों नहीं पलटा? ज्ञान विज्ञान में स्वरूप के लिए क्यों नहीं पलटा? उसे अपने आत्म स्वभाव का भान क्यों नहीं आ रहा, बोध क्यों नहीं आ रहा, चैतन्यता का बोध क्यों नहीं आ रहा, ये बता। क्योंकि यदि आपका उपयोग पलटा है, आपकी अंतरात्मा पलटी है, तो आपको ध्रुव त्रिकाली गायक स्वभाव का बोध आना चाहिए। अंतरंग से ध्रुव चैतन्यमय परमात्मा हूँ, ध्रुव ज्ञान विज्ञान में स्वभाव हूँ, ध्रुव ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का बोध आना चाहिए। सुनने का नहीं, समझने का नहीं, ध्रुव का बोध, और ऐसा बनाए प्रतीति के रूप में, स्वानुभूति के रूप में। भाई स्वानुभूति हर समय थोड़ी रहती, हम कब कह रहे हैं हर समय नहीं रहती, लेकिन जिन वचनों का कल्पिका, जिन वचनों का सहकार तो हर समय रहता है, रुचि तो हर समय रहती है, तत्व की रुचि, रुझान, और बाहर का रुझान नहीं, अंतरंग का रुझान। मैं तो चिदानंद चैतन स्वरूप ज्ञान घन पिंड हूँ, अंतरंग आत्मा से, अंतर आत्मा से मैं तो ज्ञान घन स्वरूप हूँ, ज्ञान घन स्वभाव है मेरा, ज्ञान घन स्वरूप है मेरा, ज्ञान घन स्वरूप। कितना प्रियता बड़ा, क्या बोलते हैं, बोलने में कितनी प्रियता लग रही है। ज्ञान घन यानी कि ज्ञान घन पिंड है मेरा आत्मा, चेतन लक्षण में स्वभाव वाला है मेरा आत्मा। भैया आपको ऐसे आत्म स्वभाव का बहुमान क्यों नहीं आ रहा, गौरव क्यों नहीं आ रहा, अंतर से रुचि क्यों नहीं हो रही, अंदर से एकदम आपकी परिणति क्यों नहीं पलट रही, नहीं पलट रही, नहीं आ रही रुचि? इसका अर्थ ये है कि आपके उपयोग में आपकी अंतर आत्मा में आपकी दृष्टि का परिवर्तन नहीं हुआ।
आपको नहीं आ रही ऐसी रुचि, आपको ऐसी प्रतीति नहीं आ रही, आपका एकदम से ऐसा उपयोग नहीं पलट रहा, झट से आपका उपयोग नहीं पलट रहा, इसका अर्थ ये है कि अभी ज्ञान में श्रद्धान परिपक्व नहीं हुआ, ज्ञान में श्रद्धान बैठा नहीं है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कर्मधारा तीव्र हमारा इसलिए नहीं आ रहा। अच्छा कहाँ कर्मधारा थी बता, 70 बरस रहे ओले बरस रहे क्या हो, कहाँ कर्मधारा थी? पंचम काल में तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कर्मधारा ही नहीं जीव के पास। कौन सी? बाहर वाली कोई। फिलहाल अच्छा आधा पुण्य का उदय है, सब व्यवस्था व्यवस्थित है। कहले भैया बाहर की नहीं, मन की धाराएं तीव्र है, मन के संस्कार अंदर से मिथ्यात के संस्कार वो घेरे हैं। तो भैया मिथ्यात के संस्कार घेरे हैं, अंदर में विकल्पों के संस्कार घेरे हैं, तो उन घेरे संस्कारों का ही नाम तो अनंत अनुबंधी का सा है, और उसी को तोड़ने के लिए तो हम बात कह रहे हैं। भाई क्या बात कह रहा है उसी को तोड़ने के लिए? आपको ध्रुवता का बहुमान क्यों नहीं आ रहा? आपको शुद्धता का बहुमान क्यों नहीं आ रहा? आपको शाश्वत बढ़ती हुई नित्य चेतना का बहुमान क्यों नहीं आ रहा? कि मैं तो ज्ञायक पिंड परमात्मा हूं। रुचि 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 रुचि। यदि आपको आपके ज्ञायक घन घन पिंड जो अपना वीतराग पद है, इस घन पिंड ठोस तत्व में, यदि इस ठोस तत्व में ठोस सत्ता में यदि आपको मैं पना नहीं आ रहा, बहुमान नहीं आ रहा, तो फिर आप कहीं ना कहीं दबे हो, फिर आप कहीं ना कहीं उलझे हो, फिर कहीं ना कहीं आप विकल्पों में फंसे हुए हो। क्यों भैया क्यों फंसे? क्योंकि यदि आप कहीं ना कहीं विकल्पों में नहीं फंसे होते, कहीं ना कहीं आप विकल्पों में नहीं उलझे होते, तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि आपको स्वरूप का बोध ना आए। ऐसा असंभव असंभव है। आपको भगवान ना आए ध्रुवत्रकाली का, जिन भगवान के वचनों की महिमा ना आए, आपके हृदय में तार ना खींचे कि जिन वैनम जयवंतम, जिन वचन जयवंत है, जिन वैनम ध्रुव शुद्धम, जिन्हें भगवान की वाणी शुद्ध है ध्रुव है, जिन वैनम शाश्वतम पदम, जिन्हें भगवान का दिया हुआ शुद्ध पद शाश्वत है ध्रुव है त्रिकाली है। आपको आपको आपके अंतर से, आपको आपके अंतरंग से, आपके अंतरंग का जागरण बराबर, अंतरंग में अंतरंग का जागरण तो बराबर होना चाहिए, ध्रुवता तो बरतनी चाहिए। संसार अनित्य है, कुछ नहीं हो तो कम से कम इतना तो सहज स्वभाव ही है जीव का कि देखो मेरा चैतन्यमय वीतराग शून्य समाधि ये गुप्त है, ये देखो ये मेरा आनंद परमानंद घन स्वरूप ये है, और पूरा संसार अलग है। कम से कम ज्ञान में ऐसी भेद ज्ञान का निर्णय नहीं, भेद ज्ञान का बुद्धिपूर्वक निर्णय नहीं, भेद ज्ञान का अनुभव पर पर्याय भिन्न, और मेरा निराकार चैतन्यमय परम ब्रह्म परमात्म स्वरूप भिन्न, सहज वर्तना होती है। भैया भैया ये तो बहुत ऊंची साधना हो गई, बहुत गहरी बात हो गई। भैया यही तो सम्यक दृष्टि है, यही जीव तो सम्यक, यही तो सम्यक दृष्टि साधक है। अपन साधक की चर्चा कर रहे हैं ना, अपन साधारण जीवों को कहाँ सुना रहे हैं ये बात? अपन ये जो चर्चा कर रहे हैं वो तो साधकों के लिए कर रहे हैं ना, अपन साधारण जीवों के लिए कहाँ कर रहे हैं? साधारण जीवों को निर्णय थोड़ी करवा रहे कि शरीर आदि से भिन्न में एक अखंड अविनाशी आत्मा हूँ। साधारण जीव बैठे हो तो उन्होंने बता दें कि शरीर से भिन्न आत्मा ऐसे श्रद्धान करो है? तुम तो आत्मा की श्रद्धा लेके बैठे हो ना, तुम तो मोक्ष मार्ग का निर्णय लेके बैठे हो ना, तुम्हारे लिए निर्णय थोड़ी करवाएंगे कि आत्मा से भिन्न शरीर भिन्न आत्मा भिन्न द्रव जीव द्रव अलग पुद्गल द्रव अलग आकाश का परिणाम ऐसा काल का परिणाम ऐसा, तुम्हें निर्णय थोड़ी करवाएंगे। फिर तुम सम्यक दृष्टि हो, सत्य का श्रद्धान कर रहा हो, वीतराग स्वभाव की साधना करने की संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा हो, तुम्हारे लिए निर्णय थोड़ी ना है। फिर तुम्हारे लिए तो शाश्वत बढ़ती प्रतीति चाहिए। साधक का लक्षण क्या? साधक का लक्षण क्या कि वो अपने ध्रुव में सदा रहे, उसका उपयोग अपने जिनेन भगवान के जिन स्वभाव में, जो जिनेन भगवान ने वीतराग में वाणी कही है, जो वीतराग में स्वभाव कहा है, उस वीतराग में स्वभाव में जो सदा रहे, राग देश कसाय का पक्ष छोड़ के, व्यवहारिक सांसारिक लौकिक प्रपंचों से दृष्टि हटा के, जिसकी दृष्टि ध्रुव में, जिसकी दृष्टि ध्रुव स्वभाव में चरण करे, ध्रुव में ध्रुव सत्ता में चरण करे, वो साधक, वो साधक, वो सच्चा साधक। और जिसकी दृष्टि ध्रुव में चरण ना करे, जिसकी दृष्टि अज्ञान में चरण करे, वो कहेगा साधक। पहले आप बताओ तो आपकी दृष्टि क्या, आपकी दृष्टि आपके ध्रुव स्वभाव में चरण कर रही है? यदि दृष्टि ध्रुव स्वभाव में चरण कर रही है, दृष्टि ध्रुवता में ध्रुव स्वभाव की प्रियता में चरण कर रही है, तो आप साधक। मुझे दृष्टि ध्रुव स्वभाव में चरण नहीं कर रही,
दृष्टि ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में चरण नहीं कर रही, दृष्टि ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में चरण नहीं कर रही, तो फिर कहाँ के साधक? साधक क्या भैया, साधक क्या है भैया? अभी हम तो अपने आप को साधक नहीं मानते, सम्यक दृष्टि श्रावक तो मानते हो ना, सच्चे श्रद्धानी तो मानते हो ना, तो तत्व की श्रद्धा का अर्थ क्या? तत्व की श्रद्धा का अर्थ है कि जीव का उपयोग पलट गया है। भाई कहाँ से पलट गया है? संसार की क्षणभंगुरता से पलट गया है। भाई फिर संसार की क्षणभंगुरता से पलटा है तो फिर कहाँ गया है? वह संसार की क्षणभंगुरता से पलट के शाश्वतता नित्यता में चला गया, चैतन्यता में चला गया, ध्रुवता में चला गया। देखो कितनी अलौकिक बात है। श्रद्धा का मतलब क्या है भैया? श्रद्धा का मतलब है, अंतरात्मा की श्रद्धा का मतलब है कि जीव शाश्वतता में चला गया, सत्यता में चला गया, नित्यता में चला गया है। कैसे नित्यता में चला गया? आद्य मनादि श्रद्धम, जो उसका शाश्वत स्वभाव है ना, उस शाश्वत स्वभाव में जीव चला गया है। और जो क्षणभंगुर एक एक समय की पर्याय है, जो अज्ञान में एक एक समय के भाव है, जो मोह आदि का एक एक समय का परिणमन है, उसको छोड़ के निकल गया है जी। इसका नाम है भैया क्या है? इसका नाम क्या भैया? इसका नाम है श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा। कैसी सच्ची श्रद्धा? जहाँ पर पर्याय परिणमन के प्रति भाव गौण हो गए, उपेक्षित हो गया पर पर्याय पुद्गल का परिणमन। पर पर्याय पुत्र परिवार तो छोड़ो, लोगों को हित करने का भाव भी उपेक्षित हो गया है और स्वहित करने की भावना बिल्कुल उफान पे आ गई। स्वहित करने की भावना मतलब परहित, मतलब परहित मतलब शरीर की क्रिया और संयोग क्रिया का भाव चला गया है, और स्वहित करने से मतलब मतलब अपने शुद्ध आत्मा के हित के साथ साथ जीव कल्याण की भावना उत्पन्न हुई है, जीव मात्र के हित की भावना उत्पन्न हुई है। सबके लिए यदि कोई बात निकलेगी, यदि निकलेगी सहजता से, तो सबके लिए आत्मा का मार्गदर्शन निकलेगा, बाहर के संयोगी परिणमन को सुधारने की बात नहीं निकलेगी। पैसा जोड़ लो, धन जोड़ लो, भोग कर लो, कसाय जोड़ लो, ये अनुमोदना नहीं निकलेगी। यदि जीवों के लिए भी यदि कोई बताने में आएगा, जीवों के लिए भी यदि कोई मार्ग बताने में आएगा, तो फिर सिर्फ ये मार्ग बताने में आएगा, ये मार्ग कहने में आएगा कि तू स्वयं भगवान है, और वो भी सहज भाव से, सहज भाव से। ये श्रद्धा पलटने का लक्षण है, ये आत्मा की श्रद्धा, ध्रुवता की श्रद्धा होने का ये लक्षण है। क्या लक्षण है भैया? ध्रुवता की श्रद्धा होने का लक्षण है कि आपका उपयोग पलटा है, आपका चित्त पलटा, आपका अंतर से अच्छा है, तो आपको आद्य मनादि श्रद्धा का बोध आएगा, तो आपको ध्रुवता का बोध आएगा, तो आपको ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का बोध आएगा। यदि आपका अंतरंग से चित्त नहीं पलटा, आपका अंतरंग से उपयोग नहीं पलटा, तो भगवान जी फिर श्रद्धा कैसी? फिर तो सच्ची श्रद्धा कहलाएगी नहीं, फिर तो सम्यक श्रद्धा कहलाएगी नहीं। क्यों नहीं कहलाएगी भैया? क्यों नहीं कहलाएगी सम्यक श्रद्धा? क्योंकि श्रद्धा का एक रूल है। श्रद्धा का क्या रूल है? जब श्रद्धा जीव के ज्ञान में विश्वास रूप में अंकुरित होती है, जब श्रद्धा जीव के ज्ञान में स्थापित होती है, तो जीव का ज्ञान श्रद्धा सन्मुख होता है, अर्थात जैसा श्रद्धा दिखाती है वैसा जीव का ज्ञान परिणमित होता है, चाहे थोड़े समय के लिए। जीव का उपयोग जैसा श्रद्धान में तत्व आता है उस तत्वरूप परिणमित होता है। देखो उदाहरण, उदाहरण जैसे कि अनादिकाल से अश्रद्धान की कणिका थी, मिथ्या दर्शन था, तो जीव का उपयोग अनादिकाल से पूर्णतः पुद्गल में, राग में, द्वेष में, मोह में, कर्तृत्व में, संसार में, भोग में, पाप में, विषय में, कसाय में, अनादिकालीन पूर्णतः संसार में परिणमित हो रहा था। अब भैया अब क्या हुआ? अब सम्यक श्रद्धा आई, सच्ची श्रद्धा आई, तो क्या हुआ कि ये सारे संस्कार बुरे लगने लगे। भैया अच्छे बुरे नहीं होते, लेकिन अंतर से जीव को बुरे लगने लगे, और जीव का ज्ञान तत्व चर्चा सुन के, हाँ मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, या अपने आत्मचिंतन से या सामायिक से या ध्यान से अपने शुद्धात्मा के और उपयोग चलने लगा, शुद्धात्मा की ओर उपयोग गमन करने लगा, शुद्धात्मा की ओर उपयोग की वृत्ति बनने लगी, शुद्ध चेतन स्वभाव की ओर आत्मा ललायत होने लगी, भाई ये क्या हो गया? ये उपयोग श्रद्धान के अनुरूप परिणमित होने लगा। देखो मिथ्या दृष्टि का मिथ्या श्रद्धान है, तो उसका उपयोग पूर्णतः संसारिक लक्ष्य से, संसारिक प्रयोजन से संसार में परिणमित हो रहा है। सम्यक दृष्टि का लक्ष्य क्या हो गया? ध्रुव त्रकाली हो गया, अपने शुद्ध उपयोग में चरण करने का लक्ष्य हो गया, ज्ञान विज्ञान में परम पद में लीन होने की जो भावना है वो आ गई उभर के। ज्ञान विज्ञान में जो अपना परम पद है,
ज्ञान विज्ञान में जो अपना ध्रुव त्रिकाली चैतन्यमयी परमात्मा है, उस परमात्मा स्वभाव में आरोहण करने की भावना दृढ़ हो गई। या कैसे हो गई दृढ़? श्रद्धा 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 के बल पर परिणाम बदलेगा, काय का उपयोग का, और उपयोग का जैसा परिणाम बदलेगा उस हिसाब से उसका संसार मार्ग या मोक्ष मार्ग कहलाएगा। यदि उपयोग का परिणाम ध्रुव त्रिकाली में रत्नत्रय में तो मोक्ष मार्ग, और उपयोग का परिणाम मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चरित्र से पर पर्याय में है जो संसार मार्ग। अब आप बताओ भैया, आपके अंतरंग में मैं ध्रुव त्रिकाली परमात्मा चैतन्यमय निराकार ज्ञान घन पिंड स्वरूप हूँ, आद्यम अनादि शुद्ध हूँ, क्या आपका उपयोग ऐसी नित्यता की शाश्वतता की चैतन्यता की खुमारी से चैतन्यमय परिणमित हो रहा है? बस ये प्रमाण काय का, मोक्ष मार्ग का प्रमाण। मोक्ष मार्ग की कोई प्रमाणिकता है तो आपके दृष्टि से आपके उपयोग का आचरण ही है, बस आपकी दृष्टि का आचरण ही है कि आपकी दृष्टि आपके अभेद तिंकोत्कीर्ण आद्यम अनादि शुद्धम ध्रुव त्रिकाली परमात्मा में संचरण करती है पूर्ण विश्वास के साथ, या आपकी दृष्टि संसार विषय भोग में अनुरक्त होके नाना प्रकार की भ्रांतियों में संचरण करती है। आपकी दृष्टि है, आपकी दृष्टि की बात है, आप अपनी दृष्टि बताइए, आप अपनी दृष्टि का वो बताइए सहकार, आप अपनी दृष्टि का सहकार बताइए। यदि आपकी दृष्टि ध्रुव त्रिकाली में संचरण करती है, यदि आपकी दृष्टि ध्रुव त्रिकाली में आरोहण करती है, यदि आपकी दृष्टि ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में आरोहण करती है, तो आपको अपने श्रद्धान की क्वालिटी खुद दिख जाएगी। भाई कैसी क्वालिटी दिख जाएगी, कैसी क्वालिटी दिख जाएगी? यदि आपकी दृष्टि ध्रुव त्रिकाली में आरोहण करती है, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में आरोहण करती है, ममले ममल स्वभाव में आरोहण करती है, आपका उपयोग यदि ध्रुव की प्रीति से ध्रुव में संचरण करता है, तो इस बात का प्रमाण है कि आपको श्रद्धा बिल्कुल बिल्कुल बलवत्ता से आपके अंदर सिद्धांत का डेवलपमेंट हुआ है। प्रमाण है ये, दृष्टि का संचरण ही श्रद्धा का प्रमाण है, प्रतीति आत्मा की प्रतीति ही श्रद्धा की प्रमाणिकता है। भैया आप तो पर्याय से तोल रहा हो, हाँ पर्याय से नहीं चेतना से कह रहे हैं हम, चेतना चेतना का चेतना वर्तना रूप है, चेतना परिणमनशील है, चेतना ने चेतना को अनुभव से जाना है, चेतना ने चेतना का श्रद्धान किया है, तो चेतना चेतना रूप परिणमित होगी होगी। अतः भाई चेतना चेतना रूप परिणमित कैसे होगी, अब ये और बता दो भैया, चेतना चेतना रूप परिणमित होगी मतलब बाहर की कोई क्रिया थोड़ी घटेगी, तो फिर चेतना चेतना रूप परिणमित होगी तो जीव का फोकस ध्रुव त्रिकाली की ओर होगा, और पर पर्याय की ओर से फोकस हट जाएगा, बस इतना ही होगा। चेतना का चेतना की ओर परिणमन होना मतलब कोई विशेष स्थिति घटना थोड़ी ना है, कोई बाहर की विशेष दशा बनना थोड़ी ना है, चेतना में चेतना का परिणमन होना मतलब फोकस का चेंज होना है। फोकस का चेंज होना मतलब जो उपयोग परपदगल पर्याय की ओर देख रहा है वो उपयोग ध्रुव त्रिकाली आद्यम अनादि शुद्धम की ओर देखने लगा, बस इतना फोकस चेंज होना है। फोकस का बदलना फोकस मतलब जैसे कि ये 1000 वाट का हेलोजन जलाओ, आप उसका मुंह उत्तर दिशा में रखोगे तो उत्तर दिशा प्रकाशित होगी, और यदि उसे पलटा के पूरब दिशा में कर दोगे तो पूर्व दिशा प्रकाशित होने लगेगी। क्यों भैया? वो जल तो वो ही रहा था ना, हेलोजन लाइट का बल्ब तो जल तो वही रहा था ना, 1000 वाट का तो 1000 वाट के रूप में जल रहा था ना, लेकिन भैया पश्चिम दिशा को प्रकाशित कर रहा था। भैया पूरब को क्यों नहीं कर रहा था, दक्षिण को क्यों नहीं कर रहा था, उत्तर को क्यों नहीं कर रहा था? भैया वो बाकी तीन को इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि उसका फोकस पूरा पूरा दक्षिण दिशा में था। अब क्या करो, अब उसका फोकस बदल के आप पश्चिम में कर दो। भैया आप क्या कहोगे, आप भैया पश्चिम पश्चिम प्रकाशित कर रहा है, उत्तर उत्तर दिखाई नहीं रहा। भैया क्यों? भैया फोकस पूरा पश्चिम दिशा में हो गया। एक दस उदाहरण ऐसे ही भगवान जी, ये उपयोग में जब तक मिथ्या श्रद्धान था, जब तक पूरी तरह से संसार विषय भोग सत्य लग रहे थे, पूरा विषय इंद्रिय कषाय में पुद्गल अचेतन में आचरण कर रहा था जी, पूर्णता से मिथ्यात में परिपूर्ण था, मोह में लतपत हो रहा था, अनंतनुबंधी कषाय में गुथा हुआ था। अब ये सम्यक श्रद्धान हुआ है तो भैया क्या हुआ, फोकस बदला गया इसका। भैया पूरा फोकस नहीं बदलाया लेकिन अभी, भैया लेकिन अभी तो फोकस तो बदला है ना, तो भैया कैसा फोकस बदला है? अभी आधा दक्षिण में और आधा उत्तर में, तो अब आधा दक्षिण में है तो चलो भैया आधा दक्षिण में ठीक है, अभी आधा दक्षिण दक्षिण भी है, लेकिन आधा तो उत्तर में है ना, अभी आधा उत्तर में है तो उत्तर दिशा प्रकाशित हो रही ना, तो उत्तर दिशा में जो जो वो दिखना चाहिए ना, मतलब
अब आपकी दृष्टि में भैया पूरी दृष्टि शुद्ध नहीं है अभी, लेकिन हाँ हमारी श्रद्धा में अभी निर्मलता तो आई है। दृष्टि तो एक बार में शुद्ध होती है पूरी, लेकिन उसकी निर्मलता का पुरुषार्थ बहुत है। तो भैया क्या है, अभी श्रद्धांत तो एक बार में ही होता है। तो भैया हाँ अभी ज्ञान में श्रद्धा तो आई है, लेकिन अभी पूरा ज्ञान स्वभाव की ओर मुड़ा नहीं है, पूर्णता से दृष्टि में स्वभाव मात्र सर्वश्रेष्ठ हुआ नहीं है, मतलब श्रद्धा में अभी कमी है। तो भैया ठीक है, लेकिन अभी पूर्णता नहीं मुड़ा, लेकिन मुड़ा तो है ना, मुड़ा तो है ना। अब ज्ञान यदि स्वभाव की ओर मुड़ा है, तो स्वभाव को ही देखने और जानने से तो ही, स्वभाव को ही देखने जानने से तो पूर्ण श्रद्धान होगा ना भगवान जी। अब तुम अपना पूरा फोकस घुमाओ ना, अभी थोड़ा सा घुमा तो और घुमाओ ना पूरा फोकस, रुचि और गहरी करो ना, कौन ने रोक रहा था भैया। हो नहीं रही, क्यों नहीं हो रही, मोहे मोहे ममत में फंसे भैया इसलिए नहीं हो रही। तो कब छोड़ोगे और बता दो भैया, छोड़ना तो बहुत चाहते हैं, कहाँ छोड़ना चाहते हैं। मोह ममत अपनी वस्तु ही नहीं है, मोह ममत अपना परिणाम ही नहीं है, मोह ममत अपनी जाति नहीं है, कर्म उदय है, और कर्म उदय मेरी चेतना से सर्वथा भिन्न है, पर्याय परिणाम मेरी चेतना से सर्वथा भिन्न है। जो मेरा है ही नहीं वो तो तुम्हारा है ही नहीं, तो फिर वो तुम्हारा है ही नहीं, तो फिर तुम उसे अपना मान रहे जभी तुम्हारे पास है, तभी तो तुम कह रहे मोह ममत छूट नहीं रहा। नहीं तो मोह ममत तो कभी किसी का हुआ ही नहीं, पता महावीर भगवान का कहाँ हुआ, यदि मोह ममत किसी का होता तो सबसे पहले महावीर भगवान अपने साथ ले आते, क्यों ले आते, क्योंकि रस आता है उसमें, लेकिन नहीं नहीं ले गए वो, इसका मतलब मोह ममत था ही नहीं जी, आत्मा का स्वभाव ही नहीं है वो, आत्मा की शक्ति नहीं है मोह ममत करने की। तो आत्मा विभाव भाव से एकत पुद्गल की ओर दृष्टि करता है, तो मोह ममत की विभाव पर्याय दुख रूप आकुलता संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं, अर्थात मोह ममत आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। फिर आत्मा का स्वभाव तो अनादि निरंतर शुद्धता है, आत्मा का स्वभाव तो अनादि निरंतर चेतनता है, तुम्हारा फोकस ही नहीं जा रहा इस पर, फोकस ही नहीं जा रहा। तुम्हारा पूरा फोकस, तुम्हारा उपयोग के लिए पूरा फोकस यदि शुद्धात्मा चेतन में स्वभाव पड़ जाए, अभ्यली झंझनाती अनुभूति आ जाएगी, आओ मैं तो ब्रह्म में हूं, अभ्यली झंझनाती एकदम से अंतर से स्पूर्ण उड़ जाएंगे, आओ मैं तो रोम रोम से सिद्ध स्वरूपी परमात्मा हूं। तुम्हारा एक एक झटके में फोकस घूम जाए, तुम्हारी एक झटके में दृष्टि घूम जाए, मैं तो आओ त्रिकाली हूं, एक एक झटके में दृढ़ता से उपयोग स्वीकार कर ले कि मैं तो ध्रुव त्रिकाली हूं, अभ्यली एक झटके में स्वीकार कर ले, फिर देखो तत्काल सारी विवाह परिणति भाग जाएंगी, सारे अज्ञानता भाग जाएगी, और सारा चारित्र मोह का उदय दब जाएगा, और इसी समय उपशम रस का अमृतान लगेगा, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का आनंदान लगेगा। वहां भी फिर भाई बाद में फिर कर्मधार आ जाएगी, फिर दब जाएगा, तो आएगी आएगी कर्मधार अपने समय पर आएगी, लेकिन अपना पुरुषार्थ तो अपना हर समय अपन जब चाहे जब उठा लेंगे ना, अपना विश्वास अपनी आस्था तो बनी रहेगी ना, वो एक समय कर्मधार आ जाएगी, उसकी बात क्यों कर रहा, वो आएगी तो छह होकर चली जाएगी, अपना उदय पूरा करके चली जाएगी। तुम तो आद्यम अनादि शुद्धम हो ना, तुम्हारा पर पर्याय पदगल से क्या संबंध है, तुम तो ये बताओ, तुम तो स्वानुभूति में चेतन स्वरूप हो ना, तुम्हारा पदगल पर्याय से क्या संबंध है, तुम तो ये बताओ, तुम तो चिदानंद चैतन्य घन पिंड स्वरूप भगवान आत्मा हो ना, तुम्हारा एक समय की पर्याय से क्या लेना देना है, तुम्हारा एक समय के परिणाम से क्या लेना देना है, तुम तो सिर्फ इतना बताओ बस। आप कहोगे भैया कुछ भी लेना देना नहीं है, भैया जब आपका एक समय की पर्याय से एक समय के परिणाम से एक समय की भावधारा से एक समय की पर पर्याय रूप अवस्थाओं से जब आपका कुछ भी लेना देना नहीं है, तो फिर क्यों चकरा रहा है भगवान जी इस पुद्गल के पर्याय परिणाम में, तुम तो एक ध्रुव शुद्ध त्रिकाली परमात्मा हो ना, ध्रुवी ध्रुव तुम्हारा स्वभाव है, ज्ञान विज्ञान में तुम्हारी सत्ता है, ऐसे ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को देखो, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का विश्वास क्यों नहीं हुआ, तुम्हारा फोकस तुम्हारा उपयोग का फोकस तुम्हारे निराकार चेतन स्वभाव की ओर क्यों नहीं परिणमित हो रहा, तुम्हारा उपयोग का फोकस तुम्हारा उपयोग का जो फोकस लाइट है वो अपने चेतनमय स्वभाव चेतनमय पिंड की ओर क्यों नहीं जा रहा, तुम्हारे उपयोग का फोकस तुम्हारे वीतराग में पद की ओर क्यों नहीं जा रहा, तुम्हारा उपयोग का फोकस पर पर्याय की ओर क्यों जा रहा, तुम्हारा उपयोग का फोकस अज्ञान में जो माया माया है माया ब्रह्मभ्रांति है इस माया ब्रह्मभ्रांति की ओर क्यों जा रहा है, तुम्हारे उपयोग का फोकस शाश्वत चेतन स्वभाव की ओर क्यों नहीं जा रहा, अब तुम्हारा उपयोग तुम्हारे शाश्वत निराकार चेतन स्वभाव को नहीं देख रहा, तुम्हारा फोकस तुम्हारे वितराग स्वभाव की ओर नहीं जा रहा, तो तुम्हें वो आनंद और परमानंद की अनुभूति नहीं हो रही, तुम्हें वो सुख की अनुभूति नहीं हो रही, तुम्हारी दृष्टि में वो चैतन्यमय निराकार तत्व बरत नहीं रहा, और तुम्हारी दृष्टि में निराकार चेतन तत्व नहीं बरत रहा, तो लगे उस पुद्गल के प्रपंच में,
ये सारा अपुद्गल, ये सारा जड़, ये सारा अचेतन, ये सारी पर्याय, ये सारा संसार का संसरण, ये सब दिख इसलिए रहा है क्योंकि तुम्हारा फोकस विपरीत गलत, तुम्हारे दर्शन ज्ञान उपयोग की जो दिशा है वो पुद्गल की ओर जा रही है, पुद्गल को देख रही है, एक एक समय के पुद्गल परिणमन को देख रही है। तुम्हारा ज्ञान ध्यान में स्नान नहीं हो रहा, आनंद में स्नान नहीं कर रही तुम्हारी आत्मा, स्वरूप का चिदानंद आत्मा का लक्षण है। तुम्हारे लक्ष्य में चिदानंद स्वरूप नहीं आ रहा, तुम्हारी प्रतीति में ध्रुव चिदानंद स्वभाव नहीं आ रहा, तुम्हारी दृष्टि में चेतन लक्षण में उपयोग नहीं आ रहा। ये तुम्हारी दृष्टि में चेतन लक्षण में चिदानंद स्वरूप आ जाए ना, तुम्हारे लक्ष्य में अलग अतीन्द्रिय स्वभाव आ जाए ना, तुम्हारा फोकस ध्रुव त्रिकाली का हो जाए, तुम्हारी श्रद्धा अखंड ज्ञायक स्वभाव की हो जाए, तो अभी आली आनंद और परमानंद, यही बैठे बैठे अनंत सुख है, यही बैठे बैठे अनंत सुख है। इसी पल आत्मा में अनंत सुख है, परम आनंद है, परम अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है आत्मा, परम ज्ञान विज्ञान में परम आनंद में स्वरूप वाला है आत्मा। भाई हमें तो दिखता ही नहीं है, हमें तो दिखता ही नहीं है, वो निराकार है, वो शुद्ध है, वो शुद्ध है, हमें दिखता ही नहीं भाई, हमें तो अनुभव ही नहीं होता। अरे भैया इसलिए नहीं होता कि तुम्हें विश्वास ही नहीं, क्योंकि देखो भैया यहाँ ध्रुव का विश्वास मतलब ध्रुव की श्रद्धा, और ध्रुव की श्रद्धा मतलब उस आनंद में स्वरूप के साथ रमणता, उसके साथ परिणमन, वो पुद्गल से भिन्नता, सीधी बात। ध्रुव की श्रद्धा का अर्थ है, बहुत अच्छे से, ध्रुव की श्रद्धा का अर्थ है, ध्रुव के विश्वास का अर्थ है कि उपयोग का उसके साथ मिलन, उपयोग का उसके साथ चरण, उपयोग का उसके साथ रमण, उपयोग का उसके साथ अपने आप में संचरण, मतलब उपयोग का उसके साथ एक में होके चलना, और पर पुद्गल से भिन्नता, पर पुद्गल भिन्न लगना, पर पुद्गल से भिन्नता भाषित होना, पर पुद्गल से अचेतन बद लगना, पर पुद्गल की रुचि खत्म हो जाना, ध्रुव की रुचि उत्पन्न हो जाना, ये लक्षण है। काय के लक्षण है भैया, तत्व की श्रद्धा के लक्षण है। ये आपको तत्व की श्रद्धा हुई है, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की श्रद्धा हुई है, ये लक्षण है आपके। कैसे लक्षण है भैया, आपका उपयोग तन होना चाहिए, किस ओर, ध्रुव प्रकाली सत्ता की ओर, ध्रुव प्रकाली सत्ता की ओर, आदि अनंत शुद्ध जो परमात्म सत्ता है ना, आदि अनादि से शुद्ध वीतराग स्वभाव है, इस आदि अनादि से शुद्ध वीतराग स्वभाव की ओर आपकी अंतःकरण की भावना परिवर्तित होना चाहिए। कैसी भावना परिवर्तित होना चाहिए, जो भावनाएं राग देश आदि प्रपंच में लगी हुई है वो भावनाएं शुद्धम प्रकाशम शुद्धात् तत्व के बहुमान में नहीं लगी। बता बता ध्रुवता का बहुमान कब कब आता है आपको, बता, सुबह शाम दोपहर, पैसे का, धन का, दौलत का, पुत्र का, परिवार का, सबका गौरव, सबका बहुमान, सबसे अपनत्व, सबसे ममत्व, सबके प्रति सब कुछ होता है, लेकिन ध्रुव का बहुमान, ध्रुव का अपनत्व, ध्रुव का ममत्व, ध्रुव की सत्ता, ध्रुव का बोध, ये कब कब होता है भैया। पर में दृष्टि है तो पर का हर समय होता है, और ध्रुव पे दृष्टि नहीं है तो ध्रुव का कभी कभी भी नहीं होता, तो पता नहीं क्यों नहीं होता। देखो वही जवाब हम कितने बार दे रहे हैं, अब आपको श्रद्धा ही नहीं है ना उसकी, आपको जुड़ाव नहीं है ना, आपकी दृष्टि उस ओर नहीं है ना। जब आपकी दृष्टि पूरब दिशा में है तो आपको पश्चिम कैसे दिख जाएगा, आप ये बताओ। आपको पूरब से दृष्टि हटानी पड़ेगी तब पश्चिम दिखेगा, क्यों, क्योंकि पूरब से बिल्कुल विपरीत दिशा में है पश्चिम। ऐसे ही इस जड़ पुद्गल संसार के सारे इंद्रिय जनित विषयों से बिल्कुल विपरीत दिशा में अतीन्द्रिय सुख में चेतन सत्ता, अतीन्द्रिय ज्ञान में अचेतन सत्ता कहाँ है भैया, वो बिल्कुल इन संसार के पुद्गल चम चक्षु कर्म इंद्रिय मन वचन का है, इनसे बिल्कुल विपरीत अंतरोन्मुख है, बिल्कुल अलग है। अब आपको जब उस अतीन्द्रिय का दर्शन करना है, इन सब पुद्गल पर्यायों का महत्व तोड़ना पड़ेगा, इन सारे पुद्गल पर्याय के विकल्पों से मुक्त होना पड़ेगा। जब आपको अपनी ध्रुवता का विश्वास होगा तो आपकी दृष्टि उस चेतनता की ओर उन्मुख होगी, उस चेतनता को ग्रहण करेगी। जब आपकी दृष्टि आपकी चेतन में सत्ता ग्रहण करेगी तो आपको आनंद स्वयं उत्पन्न होगा, स्वयं आनंद उत्पन्न होगा, स्वयं आपको अपना 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 एकत्व अपने ध्रुव से दिखाई देगा, और पर से एकत्व ममत्व का भाव अपने आप टूट जाएगा, पुद्गल पुद्गल भासेगा, प्रतीति में भासेगा, प्रतीति में अंतर से अंतर आत्मा कहेगी देखो ये भिन्न और ये मैं भिन्न, अपने आप प्रतीति में भासता है। भगवान जी परमात्म सत्ता प्रतीति में भासती है, शब्दों में नहीं भाषित होती, शब्दों से कहने में परमात्म सत्ता भाषित नहीं होती, परमात्म सत्ता अपनी प्रतीति में भासती है। कैसी, कि ये जो असत्य प्रतीति चल रही मोह राग देश की, ये प्रतीति का होता है विलय,
और ज्ञान विज्ञान में जो स्वभाव है उस प्रतीति का होता है उदय। ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की प्रतीति का होता है जागरण, और अज्ञान में स्वभाव की प्रतीति का होता है विलय। तभी तो सम्यक ज्ञान में आचरण होता है, सच्ची श्रद्धा में आचरण के साथ युगपात ज्ञान का परिणमन चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान ही श्रद्धा को ग्रहण करता है ना, इसलिए जो ज्ञान श्रद्धा के साथ रहता है वो तत्काल सम्यक में आचरण करने लगता है। तत्काल तत्काल क्यों क्यों आचरण करने लगता है? क्योंकि उसकी दिशा पलट आ जाती है ना, स्वानुभूति प्रमाण शुद्ध है ना, वो स्वानुभूति प्रमाण सिद्ध है ना, वो अपने में स्वानुभूति प्रमाण, उसने अपने आप को आद्य मना दी शुद्धम ब्रह्म में स्वभाव, ब्रह्म में तीनों लोगों का नायक सिद्ध किया है ना, तीनों लोगों में अपने आप को परिपूर्ण चैतन्य घन स्वरूप जाना है, इसलिए क्षण मात्र में एक क्षण में उसे सुख का अनुभव होने लगता है, एक क्षण में उसे मुक्ति का अनुभव होने लगता है। ये कैसे होने लगता है? अब ये अटपटी रीत तो वही जानता है जिसे होता है, ये दृष्टि का व्यवहार, ये आत्मानुभूति का व्यवहार तो वही जानता है जिसको ऐसी दृष्टि प्रकट हो गई, जिसको ऐसा श्रद्धान प्रकट हो गया है, वही जानता है कि कैसे होता है। क्यों भैया? तो ये समझाने का विषय नहीं है ना, ये तो बीतराखता श्रद्धा का विषय है, ये समझाने का विषय नहीं है, ये आचरण का विषय है, चारित्र का विषय समझो इसे, ये श्रद्धान का चारित्र है, ये श्रद्धान के निर्णय का विषय नहीं है, श्रद्धान के चारित्र का विषय, अर्थात जैसा श्रद्धान आया है वैसा ज्ञान आचरण कर रहा है, सम्यक ज्ञान का विषय है, अर्थात सम्यकता चरण चारित्र की सत्ता का विषय है, सम्यकता चरण चारित्र की बिल्कुल चारित्र प्रमाण ही धर्म है ना, चारित्र खलु धर्म, तो सम्यकता चरण चारित्र की विशेषता है, सम्यकता चरण चारित्र का कथन है कि भाई क्या, यदि आपके हृदय में ध्रुव की आस्था आई है तो आपका उपयोग वीतरागता में चरण करना चाहिए। भैया कहाँ इस भूमिका में वीतरागता, राग में फंसे, मोह में फंसे, अज्ञान में फंसे, मोह में फंसे, क्या कहते हैं नाना प्रकार के प्रपंच में फंसे, नाना प्रकार के अशुभ संस्कार उदय में आ रहे हैं, आप वीतरागता की बात कर रहे हैं, कहाँ अभी वीतरागता धरी इस भूमिका में? अरे भगवान, बस अर्थात तुम वीतरागता को, वीतराग स्वभाव को स्वीकार नहीं करते, तभी तो तुम रो रहा है। क्यों? अरे तुमने कैसे कहते वीतरागता कहाँ धरी? वीतरागता परिणमन में नहीं धरी, स्वभाव में तो धरी है, तुम्हें स्वभाव नहीं दिख रहा इसका, अर्थात तुम्हें वीतराग सर्व भगवान जो वीतरागता का संकनाद कर रहे हैं, तुम्हें वीतरागता जिन वचन अंदर में हृदय में प्रतीति में नहीं आ रहा है, तभी तो तुम कह रहे हो वीतरागता कहाँ धरी? क्यों? अरे तुम्हें जिन भगवान के वचन प्रतीति में आ रहे होते तो वीतरागता तुम्हें जिन वचनों में दिखती और तुम्हारे उपयोग में प्रतीति में दिखती, दोनों में दिखती, उपयोग में प्रतीति में दिखती तो तुम्हें वीतराग स्वभाव का श्रद्धान होता, वीतराग स्वभाव का श्रद्धान होता। हाँ, ये कह सकते हैं कि भाई अभी कहाँ साधु अवस्था आ रही है, मान ले रहा है, लेकिन भाई सम्यक दर्शन ज्ञान की अवस्था तो आ सकती है, और रत्नात्रेय में सम्यक दर्शन भी है शुद्ध और सम्यक ज्ञान शुद्ध है, तो वीतरागता नहीं तो क्या भैया? अभी कहाँ सम्यक दर्शन शुद्ध ज्ञान शुद्ध? अरे बस तुम तो यही कहते ना, भाई वहां कह रहा हो अभी कहाँ, अभी कहाँ, पुरुषार्थ मत सुनो, शुद्धि नहीं है तो शुद्धि का अभ्यास तो करोगे नहीं करोगे, शुद्ध होने की चर्चा सुनोगे नहीं सुनोगे, भावना करोगे नहीं करोगे? तो ये करेंगे ना, फिर करो पुरुषार्थ करो, तुम्हारी रुचि तो टूटे पर या पर्याय से, दृष्टि तो टूटे पर परिणमन से, तो पुरुषार्थ हो काय का, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का कैसे होगा भैया? कितना विश्वास है काय का? आद्य मनादि शुद्धम, कितना विश्वास है कि मैं तो अनादि से शुद्ध ही हूं, कितनी आस्था, मेरा स्वभाव ममले ममल स्वभाव, पूर्ण ध्रुव त्रिकाली परमात्मा, परम आनंद का केंद्र मेरा स्वभाव अनादि से शुद्ध बुद्ध परमात्मा ही है, अनादि से शुद्ध बुद्ध परमात्मा ही है, ऐसे शुद्ध बुद्ध एकाकी तत्व पे, ऐसे शुद्ध बुद्ध एकाकी एकत्व लिए अपने वीतराग स्वभाव पे तुम्हारा कितना रुझान है, कितना रुझान मार रही तुम्हें अंतरंग चेतना, अंतर से कितना रुझान मार रही, कितना रुझान आ रहा है अंदर से काय का? ध्रुव 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 में ज्ञान उपबन्नम, ध्रुव में ज्ञान उपबन्नम, ध्रुव में ज्ञान उपबन्नम, अरे ममले ममल स्वभाव सत्ता एक शून्य बिंद, जन्म मरण से परे, मोह ममत के दुख से, शारीरिक सांसारिक वेदना से, मोह अज्ञान की वेदना से परे, अनंत सुखमय स्वरूप, अनंत चतुष्टय अनंत सुखमय स्वरूप, अनंत चतुष्टय अनंत सुखमय स्वरूप, ज्ञाता दिष्टा आत्म राम, कितना प्रतीति में बरत रहा,
कि तारा पिती थी भैया, भैया कि तारा पिती थी, कितनी सूरत जाग रही है शुद्धात्मा की, जितनी शुद्धात्मा की सूरत है, जितनी शुद्धात्मा की सूरत है, प्रतीति है, उतना मोक्ष का मार्ग है, उतना आनंद है, उतना सुख है, उतनी मुक्ति है। भैया यदि मोह ममत में मर रहा है तो भैया पास फिर तो संसार ही है, तो संसारण का नाम संसार है, कहां संसारण, विवाह भाव में संसारण का नाम संसार, फिर विवाह भाव परिणाम में हो लेकिन आपके दृष्टि स्वभाव पे हो तो फिर संसार नहीं कहलाएगा, फिर संसार का परिणाम तो कहलाएगा लेकिन ये आत्मा संसार में परिभ्रमण नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जहां उपयोग है, जहां दृष्टि है, जीव का संसरण वहां हो रहा, जीव का परिणाम उस, जीव का परिणाम की बात कर रहे हैं, पुद्गल के परिणाम की बात नहीं कर रहे। एक जीव, जीव इस बात को समझ नहीं पाते, किस बात को, कि जीव के परिणाम में और पुद्गल के परिणाम में क्या अंतर। जीव का उपयोग का फोकस जहां है वहां जीव का परिणाम चल रहा है, और जहां जीव के उपयोग का फोकस नहीं है, आप यहां बैठे हो तो आपका परिणाम यहां थोड़ी चल रहा, फिर आपके उपयोग का फोकस जहां, आपका परिणाम वहां चल रहा। आपको श्रद्धा जहां की है, आपकी दृष्टि जिस ओर है, आपकी मानता जिस ओर है, आपकी भावनाएं जिस ओर है, आपका परिणाम उस ओर चल रहा है। आपके यहां बैठने से आपका परिणाम यहां थोड़ी ना है, यहां तो शरीर बैठा है, शरीर आप हो ही नहीं। जीव का शरीर में इतना एकमेक पना है, इतना मिला जुला है, इतना मिला जुला है मन वचन काय में, इस मन वचन काय के साथ परिणमित होते हुए होने वाली धारा को सोचता है कि हमारा परिणाम चल रहा है, जबकि जीव का परिणाम शरीर के धारा से नहीं चल रहा, शरीर के पुद्गल परिणाम होने से नहीं चल रहा, फिर जीव का परिणाम जीव की दृष्टि के होने से चल रहा है। जीव का परिणाम के काल में जीव की दृष्टि शरीर पे है, संयोग पे है, तो जीव का परिणाम संयोग परिणाम के साथ हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। यदि परिणाम के काल में जीव की दृष्टि शरीर पे ही है, संयोग पे ही है, शरीर से ममत्व है, शरीर से एकत्व है, शरीर में ही राग है, होने वाली क्रिया में ही अपनत्व है, होने वाली क्रिया का ही भान चल रहा है, होने वाली क्रिया का ही वेदन चल रहा है, होने वाली क्रिया पे ही पूरा फोकस है, तो वास्तव में जीव का उपयोग भी वही है, और जीव का उपयोग भी क्रिया में है, कर्म में है, कांड में है, आडंबर में, मिथ्यात्म है, मोह में है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र रूप है, तो जीव का परिणाम पुद्गल रूप ही हो रहा है। लेकिन भैया, लेकिन यदि यहां मैं बैठा हूं, यहां बोल रहा हूं, यहां बता रहा हूं, यहां कह रहा हूं, लेकिन मेरी दृष्टि त्रिकालिक रूप स्वभाव पे है, तो मेरी आत्मा का परिणाम यहां नहीं हो रहा, यहां शरीर मात्र का परिणाम हो रहा, मेरा परिणाम नहीं मैं हूं यहां, लेकिन आपको मैं यहां हूं आपको दिख रहा हूं, क्योंकि आप मेरे शरीर से देखते हो, लेकिन मैं यहां नहीं हूं। क्यों नहीं हूं आप? क्योंकि मैं अपने आप को पुद्गल शरीर से नहीं, मैं त्रिकाली चेतन में निराकार सत्ता से देखता हूं, मेरी निराकार सत्ता वहां जहां मेरा उपयोग, मतलब मैं यहां बोल रहा हूं तो यहां नहीं हूं, मैं यहां सुन रहा हूं तो मैं यहां नहीं हूं, मैं यहां क्रिया कर रहा हूं, मैं यहां कर चल रहा हूं, फिर रहा हूं, तो मैं नहीं हूं, नहीं भैया मैं यहां कब आता हूं? जब मैं हूं, तुम कह रहा हो ना यहां मैं हूं या नहीं, तो मैं संशय बना हुआ ना, मैं लग रहा है तुम्हारे पर्याय में, तब तक तुम यहां हो। भैया यहां से मैं जाने का उपाय, यहां से जाने का उपाय ये नहीं कि तुम शरीर छोड़ के चले जाओ, यहां से जाने का उपाय ये नहीं है कि तुम मन को बदलो या बुद्धि को बदलो, फिर यहां से छोड़ जाने का उपाय ये है कि तुम अपनी दृष्टि को बदल लो, तुम यहां सब रहेंगे, तुम यहां से चले जाओगे। संसार को छोड़ने का उपाय क्या? अच्छा देखो, देखो एक उदाहरण, भाई संसार को छोड़ने का उपाय क्या? संसार को छोड़ने का उपाय नहीं कि संसार को नष्ट करो, क्यों? वो संसार तो अनादिकाल से, अनादिकाल तक चलता रहेगा, संसार कोई नष्ट कर सकता है क्या? भाई संसार को छोड़ने का उपाय क्या है? संसार को छोड़ने का उपाय ये कि आप संसार से मुक्त हो जाओ, आप संसार से दृष्टि हटा दो, अपने मन में जो संसार बसा हुआ है, संसारी मिथ्या मान्यता बसी हुई है, अपने मन से संसार निकाल दो, संसार खत्म। संसार तो जहां का तहां रहेगा, लेकिन आपका संसार खत्म हो जाएगा। ऐसे भैया हमें मुक्ति होने का क्या उपाय है? हमें इस परिणाम से छूटने का उपाय क्या है? हमें इस पर्याय से छूटने का उपाय क्या है? तुम्हें इस वर्तमान पर्याय से छूटने का उपाय चाहिए ना? तुम्हें वर्तमान पर्याय से छूटने का उपाय ये है कि तुम इस पर्याय से अपनी दृष्टि बदल लो, खत्म, पर्याय खत्म, परिणाम खत्म। जहां आपकी दृष्टि अभेद द्रव स्वभाव पे जाएगी, तिंकोत्कीर्ण गायक परमात्मा पे जाएगी, आनंदमय स्वभाव पे जाएगी, तो अपने आप ही आप सबसे छूट जाओगे भगवान जी।
जीव छूटने के लिए नाना प्रकार के प्रपंच अपनाते हैं। प्रपंचों से कोई छूटता है क्या? अच्छा बता, सीधे हाथ से काम कर रहे थे भैया, उल्टे हाथ से करने लगे, पाप नहीं लगेगा? नहीं, आप तो ये बताओ, आप सीधे हाथ से काम कर, भैया हम सीधे हाथ से किसी की जेब काट रहे थे तो चोरी कहला रही थी, भैया हम तो उल्टे हाथ से काटेंगे चोरी नहीं कहलाएगी, ऐसा है क्या? है भैया, तुम सीधे हाथ से करोगे तो भी चोरी है, उल्टे हाथ से करोगे तो चोरी, तो चोरी है भैया। अब आप सीधे हाथ से कर रहे हो, उल्टे हाथ से कर रहे हो, ये तुम्हारे विकल्प है। यहाँ कर्तव्य का भाव ही मिट जाए, या कर्ता बने का भाव मिट जाए, या कर्ता बने की मानता मंद हो जाए, या कर्ता बने की आस्था टूट जाए, और मैं कर्तत्व स्वभाव हूं ऐसा विश्वास बैठ जाए तो मुक्ति भगवान जी। भैया बहुत ऊंची बातें हैं, भैया बहुत ऊंची बातें हैं, हजम नहीं होती इस भूमिका में, ऐसा हो सकता है क्या? भाई सही बात है, जिसको श्रद्धा उसी को हो सकता है, नहीं तो सही बात है, जिसको रुचि, जिसको श्रद्धा, जिसको आस्था उसी को हो सकता है, नहीं तो एक कान सुनो दूसरे कान से निकाल दो, इसके अलावा कच्छ नहीं हो रहा। क्योंकि क्योंकि साधना की बात है ना, संसार में आनंद आप कहीं आनंद मिल रहा, सुख मिल रहा, रुचि लग रही है, साता लग रही है, ऐसा लग रहा है बहुत बहुत काल के बाद ऐसा उत्कृष्टता को पाया, प्राप्त किया है, यदि आपको त्रिदुर्गकाली का बहुमान आ रहा है, जिन शासन का बहुमान आ रहा है, तो आप दौड़े दौड़े भाग आओगे, कहीं से भी भाग के आओगे, क्योंकि आप कहीं भी होगे आपकी दृष्टि अंतर्मुख हो जाएगी, आपको आपको स्वभाव की सुरत आ जाएगी, आपको अपने आत्म स्वभाव की प्रतीति आ जाएगी, आद्यम अनादि शुद्धम, शुद्धम प्रकाशम शुद्धा तत्वम का बोध आ जाएगा, निरपेक्ष तत्व हूँ, सुरत आ जाएगी, सुरत ज्ञान में सुरत आ जाएगी, तत्व की बोध आ जाएगा नित्यता का। और यदि रुचि नहीं है तो बस फिर भटकती रहेगी दृष्टि। बात तो बिल्कुल 100% सच्ची है, जब तक आपका विश्वास परिपक्व नहीं है, आपकी श्रद्धा परिपक्व नहीं है, तब तक मायाचारी के अलावा कुछ नहीं है, संसार माया के ढेर के अलावा कुछ नहीं है। आप अच्छे पुण्य की क्रिया कर रहे हो तो ही मायाचारी कर रहे हो, आत्मा का घात कर रहे हो, और पाप की क्रिया कर रहा हो तो भी मायाचारी कर रहा है, दोनों एक बराबर है। आप विषय भोग कर लो यहाँ बैठ के तो वही बात है, और यदि आप पूजा पाठ कर लो तो भी वही बात है, यदि आपका उपयोग अंतरोन्मुख नहीं है तो पुण्य पाप एक खाते की बात है। लेकिन अभ्याली यदि हम कह रहे पाप कर लो तो नहीं करोगे, और अभ्याली कह रहे जाप कर लो तो फटाक से कर लो, कहा भैया जो आप स्वर्ग जाएंगे पुण्य मिलेगा, भोग अच्छे मिलेंगे, थोड़ी अच्छा कर्म, वही बोल रहे हैं अच्छा कर्म मिल करेंगे, अच्छा कर्म करने की मानता, तो अच्छा कर्म करेंगे तो लोग प्रशंसा मिलेगी, तारीफ मिलेगी, लोग धर्मात्मा कहेंगे, ज्ञानी कहेंगे, कितनी कितनी सारी उपाधियां मिल जाएंगी। और यदि अली कोई पाप करने कहेंगे, अरे लोग नीच कहेंगे, दुर्जन कहेंगे, अज्ञानी कहेंगे, मूर्ख कहेंगे, दुनिया उपेक्षा करेगी, ऐसे कैसे कर ले, घर पे छुप के कर लेंगे लेकिन सामने नहीं करेंगे। अरे भगवान दत्ता, तुम करता ही मान ही कह रहे हो, तुम पुण्य भी मत करो ना भगवान जी, पाप भी मत करो, पाप तो करो ही मत, अशुभ को तो पूर्णता से छोड़ो ही, लेकिन पुण्य का कर्ता भी तो मत बनो भगवान जी, पुण्य पाप दोनों से रुचि हटा के कम से कम ममले ममल स्वभाव की अनुमोदना तो करो, सत्य भीतराग स्वभाव की अनुमोदना तो करो। हम जाप पाठ करने मना थोड़ी कर रहे हैं, हम तो कह रहे 24 घंटे जाप पाठ ध्यान में लीन रहो, नहीं तो पाप करके क्या करोगे, नरक जाओगे क्या? लेकिन तुम तो कर्तत्व बुद्धि तो छोड़ो भगवान जी, जैसा सहज परिणाम चल रहा है, अच्छा चल रहा है तो अच्छा देखो, बुरा चल रहा है तो बुरा देखो, और देखो ही क्यों, मैं परिणाम का देखने वाला ही नहीं हूँ, ना देखो ना जानो ना मानो, आनंद में मस्त रहो, तुम तो अपने स्वभाव को देखो, कौन ने रोका, ना अच्छा कर्म में किसी ने रोका है, ना बुरे कर्म में किसी ने रोका है, ना पुण्य के उदय में तुम्हें किसी ने रोका है, ना पाप के उदय में किसी ने रोका है। यदि तुम्हें कोई रोकता है पुण्य के उदय में तो तुम्हारी पुण्य की मानता रोकती है, या पाप के उदय में तुम्हें कोई रोकता है तो तुम्हारा पाप का पक्ष रोकता है, तुम्हें पुण्य पाप का पक्ष ना हो तो पाप में भी तुम आत्मा का अनुभव कर सकते हो और पुण्य में भी आत्मा का अनुभव कर सकते हो, दोनों कहीं से लेके कहीं तक कोई बाधक नहीं है, बात है रुचि की, बात है अपनी सम्यक श्रद्धा की, बात है अपनी आस्था की, बात है अपने विश्वास की, बात है अपनी दृष्टि की, बात है अपने दर्शन ज्ञान की निर्मलता की। हम पहले शुरुआत ही ऐसे की ज्ञानम स्नान पंडिता, बात है कि तुम ज्ञान ध्यान में स्नान कर रहे हो या फिर राग देसी गंदगी को उड़ेल रहे हो, राग देसी गंदगी उड़ेल रहे होगे, मिथ्या मानता मोह में डूब रहे होगे तो संसार ही संसार दिखेगा,
और ज्ञान विज्ञान में ज्ञान आनंद में स्वरूप का अमृत रसपान कर रहे होगे, तो फिर बस फिर ज्ञान विज्ञान में चैतन्य में ध्रुव त्रिकाली परमात्मा साक्षात त्रिकाली देव दिखेंगे। जिनेन्द्र कथित जिन मार्ग शुद्ध शुद्ध वीतराग में मवल पद दिखाई देगा। आपका स्नान मल भ्रष्टा से होगा तो बदबू आएगी, और आपका स्नान ज्ञान विज्ञान में स्वभाव से होगा तो आनंद आए। आपके हाथ में भैया, क्या आपका स्नान कैसे हो रहा? ज्ञानम स्नान पंडिता, ज्ञान से होगा तो विज्ञान में घन विज्ञान घन स्वरूप प्रकट होगा। और इंद्रिय ज्ञान विषय इंद्रिय विषय में होगा तो भैया अज्ञान मोहराग रूप होगा। अब परिणमन तो आपका है ना, परिणमन तो आपका है ना, पर्याय तो आपकी है ना, प्रभाव तो आपका है ना। ये पर्याय परिणमन आपका प्रभाव, जब तक आपकी पर्याय दृष्टि है तब तक ही संसार है। आपका कह रहे हमारा नहीं कह रहे, सुन लेना ध्यान से। जब तक आपने अपने आप को प्रभाव रूप मान रखा है तब तक आपकी पर्याय दृष्टि, तब तक आप संसार में घूमोगे। हमारा तो ध्रुव त्रिकाली देव है, हमें तो पर्याय से लेने देना नहीं। हम अपना रिश्ता नहीं जोड़ रहे पर्याय से। आपका क्यों जोड़ रहे हैं भैया, हमारा क्यों जोड़ रहा है जबरदस्ती? हम कहाँ जोड़ रहे हैं? आप मानते हो पर्याय रूप अपने आप को तो मान लो। हम तो अपने त्रिकाली से जोड़ रहे हैं, हम तो अपना त्रिकाली से जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए तो आप पर ही हो ना, इसलिए हमें आपसे क्या लेना देना। आपको काय को समझाएंगे, हम तो अपने आपको समझा रहे हैं। सब पर्याय परिणमन सब पुद्गल खड़े हैं, लेकिन भैया सत्य तो एक ध्रुव त्रिकाली चैतन्य भगवान आत्मा है। अपनी 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 संभाल है वो तो। अपना अपना बोध है वो तो, अपना 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 एकत्व है। अपना एकत्व यदि अपने एकत्व विभक्त परमात्मा से है तो मुक्ति है, और यदि परपुद्गल में एकत्व है तो संसार। एकत्व का खेल है भैया, पूरा खेल दृष्टि के एकत्व का है, पूरा खेल भैया पूरा खेल सम्यक श्रद्धान का है। बस यदि सम्यक श्रद्धा यदि ज्ञान में बरत रही है तो भैया आनंद है और परमानंद है, सुख है, नरकों में भी सुख है। सही, तुम एक अच्छा एक बार विचार करके देखो कि अपन जरा सी कसाई में डर जाते हैं, जरा से पाप में डर जाते हैं, जरा से भोग में डर जाते हैं, वो नरक में निरंतर मारकाट चल रही है फिर भी सुख है। अपन जरा में डर रहे हैं और देव गति में इतने भोग विलास हो रहे हैं, वहां वहां वो उन्हें कोई भय नहीं लग रहा, वहां सम्यक दर्शन है तो वो सुखी है, सम्यक दर्शन प्रमाण। और अपन तो यहाँ जरा से में घबरा रहे हैं पुण्य पाप के उदय में, जरा से पुण्य के उदय में भी घबरा रहे हैं और पाप में भी घबरा रहे हैं। ज्यादा पुण्य का उदय आ जाए तो भी डर लग रहा है, भय ना जाए, भोग में लिप्त हो जाए, देव गति में जाएंगे तो भय जाएंगे, अगली देव गति में जाएंगे तो ऐसे हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे, यहाँ भी भय हो रहा है। चारित्र नहीं रहेगा, चारित्र की चारित्र अभी भी नहीं तुम्हारे पास, तुम कौन सा भी चार चक्रवर्ती हो, ध्यान में लीन हो रहा हो, तो देव गति में जाकर तुम चार चक्रवर्ती हो जाओगे। चाहे तो तुम्हारे साथ अभी भी नहीं है, जैसे वहां हो, जैसे वहां देव गति में हो वैसे यहां रहोगे। हाँ बस यहां है, यह चारित्र को ग्रहण करने की पात्रता है, लेकिन तुम उत्तर प्रसाद कहाँ कर रहा है? तो चारित्र की बात अपेक्षा आप छोड़ दो, अभी श्रद्धान की अपेक्षा चर्चा लो। तो श्रद्धान की अपेक्षा से क्या चर्चा? जैसे देव गति में तुम रहोगे आवृत्ति श्रावक, वैसे आवृत्ति श्रावक तो तुम यहाँ हो, वैसे आवृत्ति श्रावक नर्क में है, नरक में भी वो आवृत्ति श्रावक सुखी है, देव गति में भी वो आवृत्ति श्रावक सुखी है, भोगों में सुखी नहीं है, आत्मा की प्रतीति में सुखी है। उसे चारित्र की भावना होती है, देव गति का दुख लगता है, मनुष्य पर्याय धारण करने की भावना होती है, ये सब चारित्र का विषय है। ये भावना तो सम्यक दृष्टि को होती है, ये भावना तो अपने को भी हो रही है, संयम लेना है, आगे बढ़ना है, मुनि दीक्षा लेना है, आगे आगे निर्वाण में जाना है, भावना तो अपने को भी हो रही है, मोक्ष मार्ग बनाना है अपना। लेकिन भैया उन्हें आत्म स्वभाव की सुरति का जो प्रतीति का समरस घटाघटी का जो सुख है वो अपने को कहाँ है बता? अपने अपनी दृष्टि कहाँ है? इसी नारकियों की हो सकती है, देवों की हो सकती है, तो अपनी क्यों नहीं है? अपन क्यों निराफल नहीं होते? जरा से पुण्य आता है तो डरने लगते हैं, पाप का उदय आता है तो भयभीत हो जाते हैं, कसाय चलने लगती है तो रोने लगते हैं, पुण्य का उदय चलने लगता है तो हंसने लगते हैं, सुख दुख यही यही सुखी यही दुखी यही सुखी यही दुखी यही सुखी यही दुखी। निर्णय नहीं होता पक्का कि मैं तो आद्य मनादि श्रद्धा हूँ, मुझे सुख दुख होता ही नहीं, मेरे सुख दुख से प्रभावित ही नहीं होता, पर पर्याय से मैं तो प्रभावित ही नहीं होता, पर पर्याय पर पर्याय परिणमन से मैं तो प्रभावित ही नहीं होता, मेरा तो पुद्गल पर्याय परिणमन से कोई संबंध ही नहीं है, रुचि नहीं लगती। पुण्य का उदय आता तो पुण्य में भेज आते, पाप का उदय आता तो पाप में भेज आते, मुल्ला जी मस्जिद गए तो मस्जिद के, मंदिर गए तो मंदिर के, और भगवान जी पूछा भगवान कहाँ है, अल्लाह कहाँ है तो पता ही नहीं है, ना मंदिर में ना मस्जिद में, दिखे कहाँ? अल्लाह अल्लाह भगवान तो अंदर में है, मंदिर मस्जिद में भटक रहा है तो कहीं नहीं मिल रहा है, ना मंदिर में मिल रहा है ना मस्जिद में मिल रहा है। फिर भैया अंदर आ जाए एक बार, अंतर्मुख दृष्टि कर ले, वो हाया भगवान तो यही है, जय बात समझ में नहीं आ रही, आत्मा की प्रतीति कर ले, आत्मा का श्रद्धान कर ले,
आत्म स्वभाव का बहुमान कर ले, ये बात समझ, सीधी सीधी बात समझ में नहीं आ रही। कहीं मंदिर भटक रहा है, कहीं मस्जिद भटक रहा है, कहीं गुरुद्वारा भटक रहा है, कहीं चर्च भटक रहा है, अंदर जाने की बात ही समझ में नहीं आ रही कि भाई अंदर चले जाओ, अंतरोन्मुख हो जाओ, चैतन्य स्वभाव की दृष्टि प्रकट कर लो, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का श्रद्धान कर लो, ये सीधी सीधी बात समझ में नहीं आ रही। यहाँ के प्रपंच, वहाँ के प्रपंच, ये प्रपंच वो प्रपंच, ये कर लो वो कर लो, नारायण मन के, मन भ्रमाता है, मन के साथ जीव भ्रमित होता जा रहा है। क्यों क्यों भ्रमित होता जा रहा है? क्योंकि एक विश्वास नहीं बैठ रहा पूर्ण पूर्ण वितराग स्वभाव का, एक वितराग पूर्ण स्वभाव का श्रद्धा नहीं बैठ रहा। और यदि वितराग स्वभाव का श्रद्धान बैठ जाए तो इन रागदेश की परिणति में दम कितनी है। वितराग स्वभाव की श्रद्धा बैठ जाए, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर की प्रतीति बैठ जाए कि मेरी प्रतीति वो है गुरु महाराज के पंचम काल में बैठी थी, दिगंबर मुनि साधु हो गए थे। बाहर बाहर का साधु साधु ही नहीं है, उस गुरु महाराज ने पुलिंग ही कहा है, वो तो मिथ्या दृष्टि। वही यहाँ 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 साधु बनने से मतलब सम्यक चारित्र से, सम्यक चारित्र प्रकट होगा तो वो दिगंबर तो आता है, दिगंबर कपड़े उतारने की नाम वस्तु का नाम। आपका स्वभाव स्वभाव में नहीं, आप क्या पहने क्या नहीं पहने, क्या कर रहे शरीर में क्या हो रहा, मतलब ही नहीं है ना शरीर से उस समय। भैया जहाँ शुद्ध उपयोग की चारित्र की लीनता होती है वहाँ व्यवहार कपड़े उतरने घटता है, घटता है, लेकिन लेकिन वो पता नहीं है उस साधु को शुद्ध उपयोग। ये बात भी सत्य है कि उस शुद्ध उपयोग में साधु को पता नहीं है, लेकिन छठे लेकिन 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 छठे गुण स्थान में भी तो आता है शुद्ध उपयोग पूरे समय, छठे गुण स्थान में आता है तो आत्म उपयोग में वो दिगंबरत का परिणाम भी घटता है, लेकिन फिर भी उसकी उसकी मानता नहीं है। भगवान जी भगवान जी बाहर में तो कोई, बाहर में तो कुछ है ही नहीं, लेकिन लेकिन ये बात मत करो कि बाहर में तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं, ये बात तो 100% है। वो शरीर का महाभ्रत रूप भेज भी यहीं डूब जाएगा, यहीं छूट जाएगा, वो निर्वाण चली जाएगी आत्मा, और वो जितने अंश में चारित्र में लीन है उतने अंश में उसे बाहर का कोई भान नहीं है। लेकिन जिस समय चारित्र में लीन नहीं है उस समय भी, जैसे जैसे देखो जैसे देखो भरत चक्रवर्ती एक बार चारित्र में लीन हुए 48 मिनट में केवल ज्ञान हो गया, तो उन्हें पता ही नहीं है कि शरीर में कभी कुछ हुआ था। आप उस अवस्था की बात कर रहे हैं, वो सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, उसकी अनुबोध न कर रहा है, वो परम सत्य है, उसे हम नकार नहीं रहा है। लेकिन एक अपेक्षा ये भी है कि जब सातवें गुण स्थान में नहीं रहेगा, छठे गुण स्थान में कोई साधु आता है तो उसे सम्यक दर्शन ज्ञान तो रहता है लेकिन चारित्र नहीं रहता, लेकिन उस समय भी महाव्रत का पालन होता है। लेकिन वो किस लिए होता है? वो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होता, वो जीव मात्र की दया के लिए होता है। वो एक एक, एक इंद्रिय से लेके बारीक जो जीव है ना, वो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होता, वो इंद्रियों का क्रश करने के लिए, और छह काय के जीवों पे चलेंगे तो हिंसा होगी, बोलेंगे तो हिंसा होगी, नाना प्रकार के व्रत, अहिंसाणी व्रत, सत्याणी व्रत, आचार्यणी व्रत, इन व्रतों का पालन करके अहिंसा के पालन पर जीवों की दया के लिए होता है, ऑटोमेटिक होता है, वो परिणाम होता है। क्यों? क्योंकि उतनी करुणा आ जाती है, उतनी जब इतनी वितरागता की इतनी गहरी स्थिति बनती है जीव के अंतर उपयोग में, इतनी वितरागता की इतनी गहरी स्थिति बनती है तो सब जीव परमात्मा दिखने लगते हैं, और जब जहां सब जीव परमात्मा दिखते हैं तो उनके ऊपर करुणा का जो भाव होता है ना, उससे प्राणी संयम भी उत्पन्न हो जाता है, दिगंबर उत्पन्न हो जाता है। लेकिन भरत चक्रवर्ती जैसी स्थिति आ जाए, आप ज्ञान विज्ञान का इसी भूमिका में इतना अभ्यास कर लो कि आप यहाँ कपड़े फेंको और वहां 48 मिनट में केवल ज्ञान हो जाए, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। हो जाए तो इसकी तो कोटि कोटि अनुमोदन। लेकिन भैया जब तक नहीं हो रही तब तक ज्ञान विज्ञान का अभ्यास करो, हम थोड़ी क्या साधु होकर करो, हम तो कह रहे घर में रह के करो, लेकिन करो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की दृष्टि से प्रकट करो। साधु होकर तो इस पंचम काल में संभव नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं संभव तो कपड़े पहने कहने करना संभव है, दृष्टि ज्ञान की आराधना दर्शन ज्ञान की आराधना करना संभव है। हम वितरागता को नकार नहीं रहे, साधु अवस्था को ये साधना को कम नहीं आंक रहा है, लेकिन हम ये कह रहे हैं साधु अवस्था की साधना नहीं हो रही तो ग्रस्त अवस्था की साधना तो करके बताओ, अपने द्रव की दृष्टि में लीन होकर तो बताओ, आनंद परमानंद में 24 घंटे निमग्न तो रहकर बताओ। भैया घर में फंसे हुए हो जाएगी ये, देखो घर में फंसे हुए उच्चारित की स्थिति तो नहीं आएगी, ये बात तो पक्की है, तो फिर दर्शन और ज्ञान की स्थिति आ जाएगी।
कैसी दर्शन ज्ञान की स्थिति आएगी, आत्मा के जागरण की और शरीर से भिन्नता की इतनी स्थिति आ जाएगी, आत्मा का बार बार रस उत्पन्न होने वाली स्थिति आ जाएगी, बार बार आनंद उत्पन्न होने वाली स्थिति आ जाएगी। एक देखो तीन अवस्थाएं आ सकती हैं, एक भेद ज्ञान की स्थिति आ जाएगी, भिन्नता आ जाएगी शरीर से, दूसरी आप बार बार अपने आत्मा का आनंद आने लगेगा, तीसरी भैया पर्याय परिणाम असत दिखने लगेगा और स्वरूप का रस झड़ने लगेगा, बार बार उपयोग में चिंतन मनन आत्म प्रतीति बोध इस टाइप का स्वभाव रूप परिणमन चलना, यानी आत्मचरण सम्यक चरण चारित्र हो सकता है, इतना हो सकता है बस। कब? जब तक आप ये संयोगी भूमिका हो तब तक, और पूर्ण वितरक्त चाहिए तो फिर पंचम गुण स्थान हो, छठा सातवा गुण स्थान चाहिए, पांचवा सातवा गुण स्थान चाहिए, पांचवें गुण स्थान में इससे यहाँ से ज़्यादा वितरकता और ज़्यादा भिन्नता, और सातवें में और ज़्यादा, जितनी ज़्यादा चाहिए उतने आगे बढ़ जाओ। ये बात तो आगे बढ़ने की है, वो आगे बढ़ाने वाला बाहर की कोई क्रिया नहीं है, ये भी पक्की है। आगे बढ़ाने वाला अपने दर्शन ज्ञान का निर्मल श्रद्धान है, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव है, तत्व की रुचि है, आद्य मनादि शुद्धम स्वभाव का बोध है। आगे बढ़ाने वाला ध्रुव की प्रतीति है, सदाचार में जीवन हो, विषय कषाय से व्यक्ति हो और ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की अनुरक्ति, बस इतना सा काम भाई, बस इतनी सी चर्चा है। वो हजार बात कह लो, हम कह रहे हैं दसों घंटे चर्चा करें तो इतनी सी चर्चा है, और दो मिनट में कहें तो इतनी सी बात है कि भाई आपको अपने स्वभाव का रुझान कितना, आप तो ये बताओ, आपके स्वभाव की ओर की ललक कितनी है, आपको आपके स्वभाव का अभ्यास कितना है, आपकी स्वसन्मुखता रूप दृष्टि कितनी है। अरे आपकी दृष्टि ध्रुव त्रिकाली चैतन्यमयी आत्मा की है तो आनंदम परमानंदम आद्य मनादि शुद्धम, ये परमा परम जो कहना वो कह लो, स्वभाव कह लो, अनंत दर्शन सुख कह लो, जो कहना वो कह लो, जिनेन्द्र कह लो, जो कहना कह लो, लेकिन भैया यदि स्वभाव की दृष्टि नहीं है तो संसार में रोने के अलावा कोई मार्ग नहीं। सुख तो एक ही जगह है, वह आत्मा जिसने अनुभव कर लिया, जिसने पहचान लिया, जिसने भोग लिया, जिसने समझ लिया, उसने पा लिया क्या कि सुख तो एक ही जगह है, और वो सुख है मेरी ध्रुवता में, वो सुख है मेरे अंतरंग में, वो सुख है मेरे आत्मा में, सुख तो एक ही जगह है, वो है चैतन्यता में, और भाई संसार में, बाकी संसार में दुख के अलावा कुछ भी नहीं। आज चेतो तो, कल चेतो तो, और परसों चेतो तो, चेतना तो चेतनता का ही नाम, जागरण तो आत्मबोध का ही नाम है, जागरण तो आत्मा की प्रतीति का ही नाम है। जितने पल जितनी घड़ी जितने क्षण आत्मा की प्रतीति है, उतने क्षण उतने घड़ी आत्मा जागृत है। भगवान जी बस आज समय ओवर हो गया, सभी भव्य आत्माओं के जीवन में ऐसे आत्मा के जागरण का सबकी भावना होती भैया। देखो ये कर्तृत्व भाव से भावना नहीं है, ये एक व्यवहार है कहने का, जिन वचन करें ना तो जिन वचन कहा है तो एक भावना है, मुझे इस भावना से पुण्य की लालसा नहीं है, मुझे संसार में मरना नहीं है, ये भावना से मुझे सजीवों का हित कल्याण करने की भावना नहीं है, बस एक सहज भावना रहती क्या कि जो भी जीव है बेचारा दुख से संताप से आखलित व्याखलित होकर दुखी ना हो, और सभी जीवों को ऐसा मार मिल जाए, ऐसी अंतरंग से भावना होती बस सहज। सिर्फ कितनी सी भावना कि भैया सब जान ले कि सुख अपने अंदर में है, भैया किसी से कह तो नहीं रहे तुम घर छोड़ के आ जा, बस ये कह रहे हैं कि भैया तुम घर परिवार में रहते हुए विधेयी बन के जीना जीना सीख जाओ, क्यों, क्योंकि तुम ही सुखी हो जाओगे, तुम ही आनंदित हो जाओगे, और तुम ही सत्य और असत्य के निर्णय कर पाओगे, तुम्हारे ही जीवन में सुखी सुख आएगा, तुम्हारे जीवन में सदगति आएगी, तुम्हारे जीवन में ही विकास आएगा, तुम्हारे जीवन में अच्छा अति से घटेगा। इसलिए कहने में आता है मात्र व्यवहार है, औपचारिकता है क्या कि सभी जीवों के जीवन में इस सत्य का बोध हो, सत्य का जागरण हो, सत्य की पहचान हो, क्यों, क्योंकि सभी जीव सुख स्वभावी भगवान आत्मा है, सभी भव्य आत्माएं अपने सुख स्वभाव के बोध में निमग्न रहे, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिया आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, चैतन्यमयी।